यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जकी मान ही जाते हैं अजमेर को छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रदीम भी यहाँ पर अपने घर को गिराई रखने के लिए उसे बेचने के लिए अपने वालिद साहब से झगड़ा कर ही लेते हैं और अपने वालिद साहब को यही बताते हैं अगर आपने मुझे पैसे नहीं दी तो मैं इस घर को मतलब बेच दूंगा। तो उसके वालिद साहब भी उसे बताते हैं कि ये घर आपके नहीं आपकी अम्मी का है। दूसरी तरफ यहाँ पर अजमेर जब अपने वालिद साहब के घर में आ ही जाती है तो यहाँ पर जकी बहुत अकेला पड़ जाता है और जकी उसे कॉल करते हैं, उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप इस तरह करो कि आप घर वापस ही आया करो तो अच्छा ही होगा। अजमेर भी यहाँ पर बहुत तंग सी महसूस करती हैं, वो तो यही सोचती है कि जकी मुझे अभी कॉल करेगा, लेकिन जिस जकी भी यहाँ पर अजमेर के वेट में पूरी रात गुजार ही देते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।